Yes, Doctor. I'm sorry to inform you, but your mother passed away just a few minutes back. What? We did everything we could. कौन जानता था कि मैं तुम्हें एक दिन इस तरह वापस लेकर जाऊंगा मां। तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ए कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ए तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ए नी कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ए खोके तेनू मेरा ते जहान खो गया है मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी ए बड़ा ही रचाया दिल नहीं रचता तेरे बिना सब अजनबी लगता परदेस में ये परदेसी ही रहा बड़ा ही बसाया दिल नहीं बसता मोड़ ले दोबारा मैनू जिंद मेरी ये नी रच दे दोबारा मैनू जिंद मेरी ये याद बड़ी आए मुझे वो गलियां जहां पर कभी ना था दम घुटता जहां हर बात बड़ी मासूम थी जहां पर कभी ना था दिल टूटता पल पल सारा मैनू जिंद मेरी ए फिर दे दोबारा मैनू जिंद मेरी ए तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ए कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ए खोके तेनू मेरा ते जहान खो गया है मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी ए Hello. Hi, Rebecca. Sid, where are you? We had a meeting at the bank at 9:30. I'm sorry, I forgot to cancel. Actually, my mother passed away this morning. Oh, I'm so sorry. Don't worry about the meeting. I'll handle everything. Thank you. By the way, I really hate to bring this up right now. The airline called again, and they need you to pick up your bag in person. Bag? What bag? The one you lost on our business trip to Atlanta. Right. Thanks. Just show me to the bags, please. Hey, that's the Kasoli Cowboys, right? Excuse me? No wonder maine tumhara bag pick up kiya. Bilkul same hai. Handles ka color bhi. Waise maine tumhe aur young imagine kiya. But you're different. You know, maine tumhari diary padhi. Puri padhi maine. It's really good, actually. But you know what? If you write the ending, main ise khareedne ke liye taiyar hoon. You know, kisi ki diary padhna is really rude. Hey, wait. You know, I didn't introduce myself. Excuse me. Here. Excuse me. Tanya Sajdev. So nice to meet you. Indus Publications. I'd love to do business with you. Siddhartha, Ray Infotech. And I don't think aap aur main koi business kar sakte hain. Sorry. Hey, Mr. Siddhartha Ray. Tum jante nahi, lekin tumhare andar ek amazing writer chupa hai. कोई और भी यही कहता था वो समर कसौली काउबॉयज आज भी लगता है जैसे कल की बात हो
मेरी दुनिया शिमला के पास एक सोए हुए हिल स्टेशन कसौली में बसी थी, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कैंटोनमेंट शहर जिसमें तब मेरा पूरा जहां बसा था। तब ना सेलफोन्स थे ना इंटरनेट, सिर्फ दोस्त और दोस्ती। टेंगो चार्ली कम इन, एनिमी एंगेज्ड, शकल क्लिनिक में है, मिशन मारुति ऑल सेट। टेल टैको कॉपी, मिशन मारुति जिंदाबाद। उस दिन सैम लौट रहा था। टीनो यानी तेजिंदर कथोरिया ने प्लान बनाया था कि हम उसे अपनी कार में रिसीव करेंगे, इसलिए मिशन मारुति। ओ सिद्धू उठ यार, ओए मिशन मारुति चल। हाँ आ रहा हूँ, चल। सुजी, मेरा मतलब है सुशील शर्मा की तो उस दिन फटी पड़ी थी। वो अपने बाप शाखाल की गाड़ी सिर्फ हमारे काउबॉय ग्रुप के लिए चुराने को राजी हुआ था। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर एन मौके पे सुजी की बहन पिंकी ने देख लिया। सुजी की डर के मारे सटक गई और उसे समझाते बुझाते हमारे हाथ से गाड़ी फिसल गई। आखिरी मिनट में बॉबी ने सब संभाल लिया। काउबॉय ग्रुप का स्टंट बॉबी यानी बलविंदर सिंह शिखावत। बेताब के सन्नी, 11 बजे मिलने का प्लान था, वो इतनी देर से क्यों आया? अबे मैथ्स होमवर्क कर रहा था समोसे। मैथ्स होमवर्क? अबे बेड को ऐड किया, कपड़ों को सब्स्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लिकेशन। वो किसके साथ? रूबी के साथ। वो कौन रूबी? तुम्हारी बहन, साले फुद्दू। अरे तू यार सीट कवर संभाल के यार, कितने दिन हो जाएंगे, पापा जी ने नहीं चढ़वाए थे अभी। गाइस सैम की ट्रेन आ गई। पीछे देख। क्या यार, अरे आगे वाली भी देख लेते हैं, आजा। ओ यार सिद्धू, यार सब अंकल आंटी दिख रहे हैं यार। तू शोर है ना, उसने आज की तारीख बताई थी। हाँ यार, लंदन से फोन आया था उसका। मुझे लगता है उसकी कोई चाल है, छुपा हुआ कहीं। ओए मैं वो वाली बोगी में चेक करता हूँ। हाँ चलो, पापा बुला रहे हैं। ओ सिद्धू, क्या हुआ? कुछ। अबे कोई मिला? नहीं तो। यार सैम मिला? ओ यार सैम पीछे वाले डिब्बे में भी नहीं, उधर भी नहीं है। यार सिद्धू तूने कर ली अपनी। क्या यार मेरा प्रॉब्लम? हाँ यार, पूरा मिशन मारुति बर्बाद हो गया। अरे सॉरी यार। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती सबसे। तेरी तो डेविल्स पॉइंट जा रहा है। मरना है क्या तुम जैसों के लिए? तो कभी भी मर जाओ सालो। कैसा है यार? वीरे मिलाए तो आया, जैकेट शैकेट चश्मे, पूरा टॉम क्रूज लग रहा है। सुशील शर्मा और सुशी टेल एक्ट्रेस, सॉरी यहाँ शाका को कह देना मैं ठीक करवा दूंगा। अरे हर कुछ ही है। साले ड्रामे बस, कैसा है तू? देख क्या रहा है, कम एसरी बॉय। कैसा है यार? तो हाउ आर माय काउबॉयज? लेट्स गो फॉर इट। अल्फा बीटा गामा थीटा, जो है सेक्सी बॉय जीता, हूज गोना मेक सम नॉइज, कसौली काउबॉयज। कसौली आई एम बैक। सैम हम सबका हीरो था, हमारी भारी दुनिया देखने का पासपोर्ट।
टोटली यार होगा यार, इसके वापस आती ही हमारी सोई हुई जिंदगी फिर से जाग जाती। इजी गाइस, इजी इजी फ्रेंड्स, रोमन्स और मेरे प्यारे एल कैमिनोस, लेट मी योर इयर्स। साल का वो टाइम आ गया है जब समर की कलियां खिलेंगी, खूबसूरत बेब्स हम पे मरेंगी, पार्टीज होंगी रॉक और दारू होगी अनकोक। खुल जा सिम सिम। सुजी, हाँ, ये ले तेरी ब्लॉन्डी वाली टी शर्ट, पैमेला ऑल द वे फ्रॉम बेवॉच। ओ यार, ये तो टीवी वाली ब्लॉन्डी हैगी। और टीनो, ओ यार, ये ले तेरे जूते, कूल हाँ, यो बॉब्स तेरा जिपो। अरे वाह, इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है। ओ एंड सिड, तेरे स्पेशली लंदन की हवा, क्योंकि तूने एज यूजुअल कुछ नहीं मंगवाया। साले तुझे मंगवाया ना, बस वही काफी है। ओए ओए टिंडे दी पैटी, ये तो नाइक के जूते हैं ना। अबे नाइक नहीं साले, नाइकी हैं। ओए वैसे गाइस, इस साल देयर समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। कोबो है, चाक दे फाटसो। मैनू भी दे। मेरी मेरी मेरी। ओ सैम, तूने मेरी लुक कंप्लीट कर दी यारा। पकड़। ओए सुजी, जच रही है ना, इन्नू कोबो हेड कहंदे हैं। इट्स टाइम टू रिन्यू द वाउज गाइस, कम ऑन सिटी बॉय। पॉप से आगे पोएट्री, दुनिया से आगे दोस्ती। Always marry a virgin, never touch another cowboy girl. Always keep a secret, never spill the beans. हमेशा साथ साथ since our teens, always wear purani jeans, friends forever. Custom complete करने के लिए the holy day to the kings of Kasoli. चालो, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। मंजम जय माता दी। चल इसी बहाने तेरी जीन्स तो धुल गई है। अबे इतनी बदबू मार रही है, क्या तेरवी चल रही है क्या इनकी? कोई दो हफ्ते पहले तो चेंज की थी, फिर तो चौदहवीं हो गई ना। तू क्या हंस रहा है फटू? पानी था, डर तो ऐसे रहा था एसिड में फेंक दिया हो। ओ, डरता वरता नहीं हूं मैं, कटोच वंशी हूं मम्मी की तरफ से। अबे फटू, उधर देख शाकाल। मुर्दे की जान खतरे में। कितना बढ़िया चुटकुला मारा। ओ शिट, भाग 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 से, भाग से भाग। शाकाल अटैक। सिर्फ 20 बार मैंने उसे निकाला है। अरे मैं तो पुलिस को बुलाने वाला था अगर पिंकी ने मुझे ना बताया होता। पापा जी, कुत्ते के बच्चे। अरे कहाँ गए तुम बक? अरे सुअर, सुन रुक। रुक। चल शाकाल एंड सुजी, ये टॉमी जेरी का शो भी चल रहा है। पता है ना, इस साल भी फेल हो गया। ओए रख तेरा टुंटुना, रख टुंटुना, रखना मैं पकड़ू गया कदर। और सुजी ने वैसे भी 10th का बोर्ड 2 टाइम में पास किया था, सो बिग डील। ओए दोनों ही 3, तू तो लंदन में था, तुझे पता नहीं। What? I doubt कि शाकाल को उसको डॉक्टर बनाने का ख्वाब ना कभी पूरा होगा। Jesus, these guys, man. Oh, वैसे तेरे MIT जाने के ख्वाब का क्या हुआ? मतलब इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं। हाँ। बस अब स्कॉलरशिप की वेट है यार। Alright. तब तो कंप्यूटर ट्यूशन दे रहा हूँ और साथ में माँ के नए साइड बिजनेस में थोड़ा हेल्प शेल्प करता हूँ। बिजनेस? हम तो नर्सरी स्कूल चलाती थी, ये क्या नया शुरू कर दिया? फ्लास का नया साइड बिजनेस खोला है माँ ने, एक्स्ट्रा इनकम मुझे US भेजने के लिए। ए मैन, पता है? अरे यू नो व्हाट, हाँ तेरा नहीं एम का ख्वाब है तुझे अमेरिका भेजना। पता है यार। सो हाउ इज माय गर्लफ्रेंड? फाइटिंग फिट यार, कैसी होगी? चल आ जा। ये ओए तू श्योर है पहले अपने घर नहीं जाएगा? अपने घर ही तो जा रहा हूँ जानी, तू ये पकड़ मेरा टूटना। हास्ता ला वीस्ता बेबी। Boo!
ये भी कोई तरीका होता है? क्यों, रोमियो भी तो खिड़की से आता था अपनी जूलियट से मिलने। उसे तो किसने नहीं टोका। ओह आई मिस यू सो मच मोनिका माय डार्लिंग, कम हियर। तुम्हारा रोमांस भी ना। सिटी बेटे गेट आउट, कांट यू सी यहाँ बड़े थोड़ा बिजी है, देख रहे अपने बेटे को? ओह हेलो, बेटा होगा तू, मैं तो बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा है, बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा प्लीज? इतना फ्लर्ट करोगे तो कुछ स्पेशल ही मिलेगा। आंखें बंद करो। ओके ओके, बंद करो। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। मुंह खोलो। यम्मी, चॉकलेट केक, योर फेवरेट। मोनिका माय डार्लिंग, मैरी मी, मैरी मी। अभी तो बाकी सुपर वालों बाशी। वाव। I love this place, man. अपना हवा महल। I miss it. अच्छा ये बता, तू लास्ट ईयर क्यों नहीं आया? पूरे दो साल के बाद आ रहे है साले। Romance in Rome, Siddharth boy. अरे लिखा था went to Rome with an opera singer, yeah. हाँ वो किसी इज़ाबेला के साथ, right? Yeah. अच्छा। कब गाती थी, कब चिल्लाती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था यार। पागल है तू। कान फाड़ दी थी उसने मेरे। फाइनली क्या हुआ? होगा क्या, समय भी तो रोमांस भी था। बेशरम, बहुत ही कमीना है तू यार। मैं कमीना या बेशरम तो डिसाइड कर लिया प्लीज। ठीक है ठीक है, कमीने बेशरम, ये बता ये तेरा गिटार का क्या सीन है? गिटार का ही सीन है सिटी बॉय। अच्छा, यू नो व्हाट, सोच रहा हूँ ये समर एक रॉक एल्बम बनाऊंगा। रॉक एल्बम? गाने तू लिखना, कंपोज मैं करूंगा, इट्स गोना बी फन। वेट वेट वेट, गाने मैं लिखूंगा? सैम मैं तो इंजीनियरिंग का पेपर लिख दूंगा भाई, गाना शाना आई मीन। क्या? अरे मिस्टर सिद्धार्थ रे, तुम जानते नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अमेजिंग एटीट्यूड छुपा हुआ है। सैम पागल है तू क्या? सैम मेरे बारे में हर बात जानता था। मेरा राइटर बनने का ख्वाब, मेरी इंजीनियरिंग पढ़ने की मजबूरी, आखिर हम दोनों 5 साल की उम्र से बेस्ट फ्रेंड्स जो थे। Finally, home sweet home. ये तो क्या गा रहे तब से? अरे ये डॉज का विंटेज एल्बम है यार। डॉज? ओ, उससे याद आया, I've got something for you in here. Here you go. Thanks यार। डॉज? Yep. और ये कवर पे कौन है? Come on, Sid. साले, मैं आके लोकल गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। तेरे जैसे सनावर और कैम्ब्रिज से नहीं समझा? Idiot. This is Jim Morrison. Lizard King, God of Rock. गाने लिखना, कंपोज करना, this guy was a sheer genius. अच्छा? And you know what? He was a poet. Just like you. बहादुर! लगता है कि सब भूल गए कि तो आज वापस घर आ रहा है। No, no, no. Relax, boy. मैंने मम्मा को फोन किया था। And I'm sure हर साल की तरह वेट कर रही होंगी अंदर। And who knows, there might just be a surprise party inside. बहादुर! शैम बाबा। Hi, good morning बहादुर। Good morning शैम बाबा। मेरा मतलब है good night। घर पे कोई नहीं है? शाब जी तो बिजनेस के काम से दिल्ली गए और मेम शाब क्लब में है। क्लब में? जी शैम बाबा। अच्छा तू एक काम कर, ये सामान लेके जा अंदर। जी शैम बाबा। और सिड? हाँ। तू भी निकल फिर। मगर तूने आंटी को फोन किया था ना? मम्मा से बिजी पर्सन यार, और हो सकता है मैंने गलत डेट बताई होगी, यू नो हाउ आई एम। ओके चल जा, गुड नाइट, बाय। सैम के पास सब कुछ था, आखिर ही वाज रॉयल्टी। आंटी हिमाचल की राजकुमारी और अंकल शिमला के वायसराय के पोते। मगर सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में एक कमी थी, और वो थी एक डैड की। बहुत छोटी उम्र में उसके पापा फैमिली छोड़कर एक फॉरेनर के साथ भाग गए थे, और इस बात का सबसे ज्यादा असर हुआ था आंटी पे। बहादुर, कौन है वहां? हाँ मम्मा, इट्स मी।
Sam. Oh, Sam. You've come back. Oh, I'm so happy. कब आए तुम? हाँ हाँ, मैंने फोन किया था कि मैं 13 को आ रहा हूँ, बट अब शायद भूल गई। Oh yes, I'm sorry, I forgot. I'm so sorry. Oops, sorry. Let's go inside. Yes. How are you? Huh? Yeah, I'm okay. It's been so long. London कैसा है? London's great. पता है साला, I got straight A's in all my subjects. I topped my class too. Oh, I made it to the rowing team as well. And I'm the secretary of the Shakespeare Society in college. You know, क्या तुमसे मिलने आती? हाँ, हर साल की तरह सेमेस्टर के एंड में विद दैट कैथरीन। यू नो दे हैव अ चाइल्ड नाउ, राइट? एनीवे, पता है इस साल मैंने एक्स्ट्रा पियानो और गिटार लेसन्स भी लिए हैं। आई वॉज थिंकिंग आई हैव माई ओन बैंड, यू नो, रॉक एल्बम दिस टाइम विद अ प्रॉपर बैंड नेम एंड एवरीथिंग। सोच रहा था आई कॉल इट रॉक रागा। व्हाट डू यू थिंक मामा? ये मैक्स हो ना माथुर के लिए, और ये उस शर्मिला के लिए जो ना कभी दे दिया ना कभी देगी। ब्लडी बार बार बार। और ये मेरी और सिद्ध की तरफ से प्रिंसिपल के लिए केरिंग स्पेशल साला। ओए सूजी पीटी वाले नायर को छोड़ना मत, उसने देख लिया। सुशील शर्मा सैम, यारा तेरे आने से ना लाइफ सारी लश हो जाती है। ऑल कम्स फॉर अ प्राइस माय मैन। अच्छा कितना? हाउ मच? ओ बासी छोले रहने दे, पर्स ना निकाल, ये ले सैम, फ्रेश है। ओह नाउ यू आर टॉकिंग। ये ना मार खाएगा मेरे से। ओ क्यों मार खाएगा है? आज तक कोई चीज के पैर दिए तूने? मुफ्त खोर माई। ओए मैं तेरे जैसा हलवाई नहीं हूं कड़के। यू आर टॉकिंग टू पटियाला रॉयल्टी, समझा? वो कहाँ की रॉयल्टी, कहाँ की पिछवाड़े की है? तेरे को ना धर्म है ना, मैं तो तेरे को तभी पता लगेगा। तेरा प्यो पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर है, सैम है, साड़ा सैम है असली रॉयल्टी। इसके दादे परदादों ने पूरे शिमला पे राज किया है। टी मैन, एज यूजुअल तेरे पंजाब स्वीट्स के समोसे आर वर्ल्ड क्लास, लेजेंड लेजेंड। ओ सिद्धू लिख ले मेरा सपना, याद रहेगा कि है ना, मैं पूरे वर्ल्ड को अपने समोसे खिलाऊं यार। तुझे परफेक्ट सूट करेगा बे, वेटर बन के समोसे खिला। ओए तू समोसा वापस कर। गाइस गाइस गाइस, दिमाग में अच्छी ट्यून नहीं है मुझे, वेट वेट। क्या ट्यून? क्या ट्यून? जय संतोषी माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय। शट अप वेरी फनी सालो, जब मेरी रॉक एल्बम निकलेगी तुम्हें से किसी को नहीं बुलाऊंगा। अरे ओनली सिड विल बी इनवाइटेड। क्यों बे, क्या चाहिए मुझसे? यारी वाली पोयम। अरे सैम यार, इसमें सिर्फ बोरिंग पोइट्री है, ये तेरी कोई काम की नहीं है। गाइस And God said, let there be music. Oh, hai zara si meethi meethi halki si khari, yari 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 yari. Oh, yaar wo jo samjhe baat bin bole sari, yari 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 yari. Oh. जिंदा यारों से हुई जिंदगी, तेरी मेरी मेरी तेरी यारी यारी। हो कच्ची पक्की गुल्लकों को तोड़ ताड़ कर, चिल्लरों को अपने सारे जोड़ जाड़ कर, तेरे हिस्से की मैं स्माइल को खरीद लूं, मेरी स्माइल का कहीं ना कहीं से तू जुगाड़ कर। चाय वाले अड्डे की भी चाय से है प्यारी, यू नो, यारी 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 यारी। जिंदा यारों से हुई जिंदगी,
मेरी मेरी तेरी यारी यारी ओहो बियर के नशे में टल्ली होके झूम ले मस्तियों के रास्तों में झंडे गाड़ दे होश हमसे अपना घर का ले अगर पता अरे होश से कहे कि हम है ऐश में पले क्लास बंक मार के पहाड़ों पे जारी What? यारी 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 Go! जिंदा यारों से हुई जिंदगी तेरी मेरी मेरी तेरी माताजी के बारे में सुनकर यहाँ बड़ा अफसोस हुआ अरे एक बात और करनी थी जैसा कि माताजी ने कहा था कि उनकी डेथ के बाद कॉटेज सेल करनी है जी। एक तो एक पार्टी है मेरे पास बिल्कुल रेडी बंटी जी जो भी करना है इन चार दिन में करिए जैसे कि आप जानते हो मुझे वापस कभी इंडिया नहीं जाना है बाय इंडिया इतने सालों बाद कितना कुछ बदल गया होगा क्या पता न जाने कहां होंगी सब उस समर सैम के आने के बाद वक्त तेजी से बदलने लगा था और बदलते वक्त का सबसे खूबसूरत लम्हा था नैनतारा हाय एल्विस हाय फूल भेजिए उधर रख दो अच्छा एक काम करने का दो मिनट शॉप संभालने का जी मैं एमी को लेके आता जी और डस्टरिंग भी कर देना थोड़ी पिक्चर का नाम ब्लैकमेल सॉन्ग सॉन्ग नंबर 3 साइड बी पलपल दिल के पास इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स अरे इट्स यू फ्रॉम द स्टेशन राइट हाय सिडी सिडी तुम्हारा नाम है नहीं सिडी सिद्धू शॉर्ट फॉर सिद्धार्थ एक्चुअली नयनतारा शॉर्ट फॉर नयनतारा ओह हाय नाइस शॉप या थैंक्स ये तुम्हारी किताब है आर्किटेक्चर से पढ़ती हो आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो लेट्स सी अच्छा वैसे ये रिकॉर्ड कितने का है ओ मैं यहाँ पे काम नहीं करता ओ आई एम सॉरी मगर ये रिकॉर्ड सुना हो तो आई थिंक आई कैन हेल्प आओ नाइस एक सेकंड मैं सॉरी पुराने गानों में एक अलग ही मैजिक होता है ना हाँ। बॉम्बे में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है अच्छा तुम बॉम्बे क्यों हाँ। ये हेडफोन्स थैंक्स पता है मेरे डैडी एक गाना मेरे मॉम के लिए गाए करते थे गाते थे अब नहीं गाते He was in the army. Hey, died on duty. Oh, I'm sorry. It's okay. It was a long time ago. Amarmai Kasoli mein rehte. It's a nice cantonment. Yeah. Tumhe pasand aayega. Suno, suno, please. Sorry. Aawaz aa rahi hai? Us shaam jahan main ek ajnabi se rishta jodne ja raha tha.
वही सैम शायद एक अजनबी रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। Many hearts are going to be broken tonight. कहाँ जा रहे हो? सबको कसौली क्लब लेके जा रहा हूँ। क्लब नाइट? I love this song. I like it too. It's a beautiful number. I know. I dance with the most beautiful woman in the world. You remind me of somebody. Why can't it always be like this? Just you and me? कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने दूसरी शादी करके गलती की। श्याम बाबा आपके दोस्त लोग आए हैं। अच्छा ठीक है जाओ मैं आता हूँ। जी श्याम बाबा। Okay now you go and have a great night. Thank you. Welcome to the Club Night Cowboys! Yes! Yes! Yeah, it's true. Thanks for the drink, Sam. No problem. Always pose with a hose. Hose? वो कौन है? तेरी बहन है. पापा ने बताया नहीं. What? Holy Mother of God. वो कौन है? ये जो अपने वो नहीं है ना कलेक्टर अंकल सप्रू अंकल उनकी बेटी हैगी कश्मीरी है बॉम्बे में पढ़ती है. Jesus, praise the Lord. Excuse me, अगर आपकी प्रियो मीटिंग खत्म हो गई हो तो can I pass? मगर उससे पहले I'll have to baptize you, my lovely. What is that? Welcome to Kasoli, beautiful nun. When I need, just come to Lawrence Estate. Saint Samuel के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं. Lawrence Estate? Yep. तुम Mr. Joseph Lawrence की बेटी हो? Samuel Joseph Lawrence at your service, madam. Dad ne kaha tha that I might meet you. You know, our dads were best friends in St. Stephen's College. Really? Huh. Agar aisa hai to phir humme bhi a tradition continue karni chahiye, right? Hey, Dee, where have you been? Hi, Aisha. I was looking for you everywhere. Meet Sam, or should I say St. Samuel? Oh, hi, St. Samuel. Hello, beautiful lady. Ab dosti karni hai to meet my missionaries. Susie, Tino and Bobby. Ye hamare group ke ek angle honge. Sorry. Hi. Hi, Bobby. So, do you nuns have names? Absolutely. Sister Nayantara and Sister Aisha. Le aate hi behan ban gayi. Please excuse them. So, a dance beautiful nun? Yeah, come. Dance? Okay. Hi, myself Susie. Yourself? Dance sexy. What's your problem? Nikal, nikal, nikal. Aur blondie se thappad maar Tinu ko. It was solid man. You should have been there. Main kabhi aata ho kya? Chal ja. Chal ja. Bye. Oop. Kaun hai? Shaadi hai aaj subah ki flight se. Oh. मामा कहाँ है? मेम शाह अंदर है। ठीक है। बिजी। सर, अच्छा हुआ तुम आज जल्दी आ गए। मैं अभिजीत से कह रही थी कि हम सब साथ मिलकर लंच करेंगे, हाँ? होल फैमिली टुगेदर? फैमिली? He's not family. सैम। He's just our estate manager and your second husband. बहादुर मेरा नया गोल्फ सेट कहाँ है? ओ सब बच्चे बहुत दिनों के बाद आए. शेरी इज लंच रेडी. सो हाउ आर थिंग्स विथ यू अराउंड? जस्ट कर बेटा. बहादुर अच्छा है यू आर हियर बच्चे. दो साल के बाद क्यों? यू हैव बिकम टॉलर. क्या हाइट होगी अब तुम्हारी? बच्चे मैं सोच रहा था कि
यू शुड गो टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अगले साल. स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम कर सकते हो. मेरे डैड का सूट पहन के उनकी चेयर पर बैठ के डोंट रन बिकम माय फादर. ओके, मुझे नहीं करना कोई एमबीए शेम्बीए. आई एम गोना बी म्यूजिशियन. आर वी क्लियर ऑन दैट? यस ऑफ कोर्स. न्यू म्यूजिशियन इन द फैमिली. चीयर्स. बहादुर जी, साहब जी, मैडम का ग्लास रिफिल करो जल्दी. जी. वैसे क्या आप सिक्स्थ को यहाँ हैं? हाँ. नहीं, वो हफ्ते हम दिल्ली में हैं. ओ शरी, सिक्स्थ को हमारी नई जूस फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है. मिनिस्टर दवे भी आ रहे हैं, यू नो. छः को तो श्याम बाबा का शब्जी बर्थडे है. तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? यू. आई वाज ओनली जोकिंग. अजीब वुड बी ओके. वैसे भी डैड की गाड़ी पुरानी हो गई है. एनीवेज, कुड आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द टेबल? आई गॉट गो. मगर तुमने तो कुछ खाना ही नहीं खाया सर. बहादुर, मेन कोर्स ले आओ. कभी दरवाजे से भी आया कर. दरवाजे तो मामूली इंसानों के लिए होते हैं माय चाइल्ड. तो तू क्या है? आई एम गॉड. सैड यार. ओ बाय द वे, तेरा गोडोरो का एल्बम ना बुरा नहीं है. एब्सोल्युटली माना पड़ेगा. ही मॉरिसन इज अ जीनियस. ना 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 इज नहीं वाज. यू नो द ब्यूटी ना. क्या? मॉरिसन इज पार्ट ऑफ द 27 क्लब. मतलब? अरे मतलब गॉन द फॉर 27. जेम्स डीन, जिमी हेंड्रिक्स, जैनिस जॉप्लिन, all part of the same club. Achha. Only the good die young, city boy. Hey, you know what? Ek din tu aur main bhi jayenge Morrison ki grave pe, Paris. What's it? Done? done. Acha, kuch likha tune summer mele ke liye? Tu na sare sher se joote khilwayega. There it is. Are Sammy, wapas de yaar. Don't khao bhao, okay? Hai tu bhi na. I love song. ये तो बस मैंने ऐसे लिखा है. I like that. अच्छा एक बात बता. गर्ल्स को इम्प्रेस करने का सबसे जबरदस्त तरीका क्या है? ये तो मुझसे पूछ रहे हैं. चैम तो तू है. इस वाली का तरीका तेरे पास है यार. She's different. So, what's the magic? लेकिन लड़की कौन है? Ah, Jesus. Have you fallen for a girl, Sam? बेटा, Sam doesn't fall for girls. Girls. Fall for Sam. पता है. चलो अब इस गाने की रिहर्सल करनी है. शेड पे चल. अरे अरे बैग तो ले ले. हाँ ले ले. Good job guys. And good job Bob. तू तो बॉन्ड ड्रामा निकला यार. And City Boy, good work with the piano. हुआ तेरे स्किल्स तो कम आए. भाई Bob, जरा एलिस के इंस्ट्रूमेंट्स पे थोड़ा रहम तो करो. And guys, मेले में सब लड़कियां हमारे बैंड पे फिदा. ओ मेरी तो पहले से इंप्रेस है. देखियो मेले में ना सारी लड़कियां मुझ पे. चिल चिल चिल. अच्छा मेले में द ड्रिंक्स ऑन मी. ओके थैंक यू सर. इट्स गोना बी अ पार्टी. चलो कल मिलते हैं. ड्रम सेट को नहीं हाथ लगाना, समझा? यार एक दिन ना तुम सब लोगों को मैंने ना विस्की पिलानी है ऑन द रॉक. मैं क्या सच्ची बता रहा हूँ यार. थैंक्स. कोई ढक्कन सुन के चढ़ गई है. अरे चढ़ाने दे वरना स्टेज पर नहीं चढ़ेगा साला. स्टेज पर और नहीं तो क्या. भूल कैसे खा तो जो मैंने. ओ नहीं नहीं काके याद है यार. लेट्स गो फॉर इट. चलो चलो. अल्फा बीटा गामा थीटा जो है सेक्सी वो है जीता. हूज कनेक्शन बॉयज कसौली का बॉयज. दिल आजकल मेरी सुनता नहीं,
दिल आजकल पास रहता नहीं, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं, ये तुझसे ही मिलने को चाहे, ये तेरी ही करता है बातें, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल एक नया इसको तुझसे मिला, मुस्कुरा के ये मिलता है सबसे अभी, बेखबर ये जमाने से टकराता है, बेधड़क मुझसे कहता है मैं हूँ यूं ही, ये तुझसे ही मिलके हुआ है, जो तेरी नजर ने छुआ है, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल सडनली लव वाज इन द एयर, हम सब काउबॉयज को प्यार हो गया था, आयशा और बॉबी, टीनू रॉक्सी और सुसी, नैनतारा और मैं, वी वर ऑल इन लव। गेस हु? नैनतारा। हे, दैट्स नॉट फेयर। वाओ, तो ये है तुम्हारी सीक्रेट जगह, तुम रोज यहाँ आके लिखते हो? ऐसे ही कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। अच्छा ये देखो टेलीस्कोप, कैसा लगता है इसमें से देखना? बस जन्नत की झलक दिखती है। क्या? कुछ नहीं, वो हेलो ब्यूटीफुल मैन, लाइक द व्यू, तू यहाँ कैसे? राइट नाउ नीचे से। अच्छा गाइस जल्दी जरूर शेड पे जाना, एवरीवन इज वेटिंग देयर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शेड पे जाना जरूरी है क्या? इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। What? You know what? अगर आज तुम नहीं चली है, तो मैं यहीं से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। Oh my God, Sam! अरे relax, इसकी पुरानी ट्रिक है। नीचे देखो। City बेटे, get out. Traffic fast सारा। You know what, Sam? तुम पागल हो। तुम्हारे लिए तो कोई भी पागल हो जाएगा, beautiful land. Not funny, okay? Come here, give me a hand. चलो। That's my girl. तब मैं अपने प्यार की दुनिया में सरक हो गया था कि मैंने देखते हुए भी नहीं देखा कि सैम भी उसी से प्यार कर बैठा था। Excuse me, sir. We're now ready to board. I will thank you. बहुत सालों बाद आए सर, कुछ साल और रुक जाते वनवास पूरा हो जाता। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज।
आज भी याद है. Things begin to change that summer with Sam's birthday. Happy birthday dear Sam. Happy birthday to you. अरे पर मेरा बर्थडे तो परसों है डोडोस. भाई जिस दिन गिफ्ट उस दिन बर्थडे. सरप्राइज. ऑलराइट नॉट बैड हां. नाइस. मेरा नाम भी ठीक से नहीं स्पेल कर सकती मम्मा की सेक्रेटरी. ग्रेट. ओए सैम बिजी आंटी तभी तो ना. अरे यहां से गिफ्ट तो भेजा है. ओए चला के नहीं देखेगा क्या? हाँ वैसे सैम तेरे बर्थडे के लिए ना चंडीगढ़ में पंजाबी रॉक दे पासेस मंगवाई सी यार. All right. That's my boy. What? Ladri concert tickets day. Get in the car, boys. Chal kake, super changa rock. किस्मत दी अड़ियल ते जोर नू खोलना दिल में जे हो बात बिंदास बोलना दुनिया दे वे जो असी न करांगे अपनी ही शर्दा ते यारा जियांगे एड़ी दे थल्ले हजारा जमाना दिल गोल के यारा बो Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control, Monday, Monday, out of control. Hey boys, go crazy. Open the doors of your mind, the code can't bone. Know what you need, what you wanna do. Sip on gin and juice, you wanna let it loose. Whoa, whoa. Hit the city like messy, let's be sure. Should I be go or not? You gonna hit on wasabi. Lose control, no source, it's all. No, tonight is the night. Oh, musti mein rehne ki aada zamari. चाहेंगे गाड़ी तो होगी फरारी अरे मस्ती में रहने की आदत हमारी चाहेंगे गाड़ी तो होगी फरारी अरे मारा ये दुनिया है बड़ी करारी साड़ी भी यारो है पूरी तैयारी टेंशन ना लेंदे हाँ टेंशन ना देंदे बजाते हाँ मस्ती तो डो आउट ऑफ कंट्रोल मुंडे मुंडे आउट ऑफ कंट्रोल Out of control, Monday, Monday, out of control. Out of control, Monday, Monday, out of control. Out of control, Monday, Monday, out of control. किस्मत दी अड़ियल ते जोर नु खोलना दिल में जे हो बात बिंदास बोलना दुनिया दे वे जो असी न करांगे अपनी ही शर्ता ते यारा जियांगे एड़ी दे थल्ले हजारा जमाना दिल गोल के यारा बो Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control मुंडे मुंडे Out of control Out of control, Monday, Monday, out of control. To the kings of Kasale! It's again their total concert, man. Some kids are totally wasted. Yes. Woo! Oh, rocking Daru, rocking friends, and rocking party. You know what? Ek din I'll rock that auditorium with my songs. Oi, tu pagal hai? Woo! Sun, wahan tu dosi aise poem gaega na, to joote padenge tujhe, samjha? ओ एक से बढ़ के एक रॉकिंग गाने गाऊंगा यार तू बस लिखना तो शुरू कर मुझे मत इन्वॉल्व कर तेरे इन ग्रैंड प्लान्स में मैं तो यूएस चला जाऊंगा पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बस यही सब करूँ क्या अरे तू मच भाई हुई ना जा मत लिख मैं खुद ही लिख लूंगा वो भी तेरी शायरी से बेटर गुड वेरी गुड तू लिखते रहे मेरा पहला गाना होगा पुरानी जींस का दोस्ताना हमारा पर तेरी यारी में यारा
पर तेरी यारी में यारा ओए ढीला पड़ गया फ्रेंडशिप दा नाड़ा। ये ले नया शायर। Hey beautiful man. Sam, तुम यहाँ? Of course. Haven't seen you for a while, yeah. You missed me, huh? Anyways, क्या मांगा? किसी ने बताया था कि यहाँ पे आके कैंडल जलाओ तो you'll be blessed with true love. So I just really. Yeah. Well, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कैंडल जलानी चाहिए, right? वैसे सोचा नहीं था तुम चर्च टाइप हो. Saint Samuel की तौहीन. साल में एक बार आता हूँ मैं. थैंक यू बस कहने के लिए. ओह, हाउ कुड आई फॉरगेट, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. वैसे तुमने क्या मांगा? ओह माय गॉड सैम, ये क्यों किया? रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स रियली ओके. मैंने लिखने से पहले ब्लेज सरलाइज किया था. एनीवेज, द पार्टी स्टार्ट्स लेट और अगर तुम आओगे तो माय बर्थडे विल बी ऑल द मोर स्पेशल. Oh God, Jesus. ओ मेरी जलेबी के साग. ये देख पापा जी के कमरे से क्या मारे हैं. कंडम? ओ यार, बंदूक रखेगा तो बुलेट रखना जरूरी है कि नहीं? नहीं समझा. ओ सैम की बर्थडे पार्टी की रात अगर रॉक्सी के साथ सीन हॉट हो गया तो. सीन हॉट हो गया तो हॉट मैं लगूंगा उसे. और डबल बैटरी अपनी शक्ल देख ले हैं. रहने दे, मम्मी जी बोलती हैं गोल चश्मे में बाजीगर का शाहरुख लगता हूँ मैं. अबे तुम्हें कॉन्डम की नहीं कॉम्प्लान की जरूरत है. तो बॉबी तू रख लेना. हटा इसे, असली मर्दार इनटू रियल थिंग्स. रियल क्या? और बच्चों की हो रहा है? नमस्ते अंकल. कैसे क्या बेटा? ओ गल सुन. हाँ जी. तू कल मेरे कमरे च गया सी? हाँ, मेरा सामान मिसिंग है. केड़ा सामान पापा जी? मेरी चीजा हाथ ना लाया कर. उल्लू का पट्ठा. पापा जी मैं चलना, वो बड़ा काम करना है. वो सैम का बर्थडे है ना, वो गिफ्ट भी लेना है. कितने जा रहे हैं? लेने हैं तो डेकोरेशन. गुड बाय पापा जी. ओए पागल होए, वो स्कूटर लेके जा रहे हैं और डिलीवरी देनी सी. उल्लू दा पट्ठा ना होवे ते. ओ कंजरो थानू बड़ी हंसी आ रही है, चलो दफाओ. चल 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 अंकल, आपका सामान नीचे पड़ा है. ओए ऐसे किवें आया? फिर से बंद. थोड़ी देर रुक जाओ, बेकरी अभी खुल जाएगी. अरे हाय. हाय, कहाँ हो तुम पिछले 2-3 दिनों से? अपनी सीक्रेट जगह पर भी नहीं. एक्चुअली वो सैम का बर्थडे ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा बिजी हो गया था. आज उसकी पार्टी है, तुम भी इनवाइटेड हुआ? आई डोंट थिंक आई विल कम यार. क्यों? इट्स जस्ट दैट सैम थोड़ा पागल है. अरे यार, यू हैव टू कम. अच्छा, तुम्हें इस बेकरी के चॉकलेट पेस्ट्रीज पसंद है ना? अगर तुम पार्टी में हो I'll treat you. मगर बेकरी खुले तब ना. ये कसौली ना सचमुच एक सोया हुआ शहर है. आदमी बंद, दुकान बंद. देखो वो क्लॉक टावर की घड़ी भी बंद है. समझो तुम्हारे आने से वक्त थम गया. क्या? कुछ नहीं, बेकरी खुल गई. चल. अच्छा बॉबी लिसन, मुझे तुमसे पार्टी में बहुत जरूरी बात करनी है. ओके ठीक है पर सुन, तेरे लिए ना चंडीगढ़ से कुछ लाया हूँ, पहन के दिखाएगी. God, you crazy. Shut up, okay? मैं कुछ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम. अच्छा अच्छा लिसन दी, इज़ हियर, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय बाय. हेलो. हे दी, कब आए चर्च से? अभी अभी. Cool. By the way, तू कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही इस बॉबी से? ओ दी प्लीज, मैं पहले से ही बहुत स्ट्रेस्ड आउट. ओके, जस्ट नॉट इन अ मूड फॉर अ लेक्चर, सो जस्ट फॉरगेट इट. तुम नहीं समझोगे, तुम पर पहले से ही 2-2 फिदान. यू सो मैच्योर. छोड़ना. सुन, मेरी ये वाली इयररिंग्स पहन ले, दे विल मैच योर रेड पार्टी थीम. ओह सुपर, लव यू. आर यू श्योर यू नॉट कमिंग टू द पार्टी? यस आई एम श्योर. बाय द वे, दोनों में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? आई मीन आई रियली लाइक सैम, ही इज सो कूल. But knowing you, you must have fallen for that intense shire guy. Hey, I'm wearing your red sandals, okay? Intense shire type. I like that. Thank God, तुम पाइनी चल रही हो.
अब सिर्फ ये मुंह पे स्टार्ट हो जाए ना। शायद ये भी नहीं चाहती कि मैं पार्टी में जाऊँ। ओफो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सैम। कितनी बार समझाऊं? सैम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। बट ही इज अ स्वीट हार्मलेस गाय, ठीक है? और मुझे नहीं लगता है आज ये मुंह पे स्टार्ट होगी। इसे रुक के अगर हम चल के जाए। हाँ, मुझे चलना पसंद है। पक्का? ठीक है, तो फिर मैं आज रात मुंह पे ढेर छोड़ देता हूँ। चलो। वाओ, लुक एट दैट। इट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, उसकी वो हंसी, वो महक आज तक याद है। पहले प्यार के लम्हे हमेशा जहन में इत्र की तरह ना जाने क्यों महकते रहते हैं। आज उसे हमारे बारे में बताना है, प्लीज। हाँ, बता दूंगा यार। What's the big deal? It's a big deal for me. मेरे लिए, प्लीज। Come on, let's go, boys! Party! Cheers! Bobby! Hi, Sam. Happy birthday. Thank you. Thank you so much. You're looking very, very Thank pretty you. tonight. Excuse me. Brother. Happy birthday, yaar. Kidhar tha tu yaar? Bas aa raha tha yaar. Retro guitar. It had to be your idea. Thodi bahut teri pasand mujhe bhi pata hai na. Chal, let's drink. Kaisa hai Bahadur? First class hi baba. Thank you. Cheers. Happy birthday. साले, कितनी पिया है तूने? Don't stop me tonight. Baby. Tonight kiss me or dance him. Oh, is kachar nu chad. Dance me, baby. Hey, baby. Hut. No. Kiss me, baby. No. Dance me, baby. Kiss me. Come here. Dance me. तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी यार। बोल। वो नैनथरा के बारे में। हाँ यार, समथिंग अबाउट हर। उसे जब भी देखता हूँ ना, क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं यार। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। Listen, Bobby, I have to talk to you and it's really serious. यार तुझे कब से समझा रहा हूँ? फिर शुरू हो गई है? Come on, babes, no serious talk tonight. Only party and dance. Come on, come here. Bobby, this is not funny. मेरी बात सुन। And dance with the most beautiful girl in the party. Fine. Come on, come here, dance with Sam, me. Sam, I'm fine. You're my favorite girl. Come here. I'm fine, Sam. Ah, come on. Oh, you look so hot in this dress. Too sexy. Baby,
Let's kiss. Sam, क्या कर रहे हो? What's the problem? क्या हुआ? अरे सर, क्या हुआ? Problem? क्या हुआ? उठ यार, कोई नहीं. उठ उठ. नेता, नेता, देखो, क्या हुआ? Ask your best friend. Sir, जाने दे उसे. She's a bloody tease. कुछ कहूंगी तो तुम उसके लिए हजार एक्सक्यूज बनाओगे. और तुमने उसे हमारे बारे में बताया क्या? सेड वापस आ, मेरे को मैन. मुझे पता था. गो टू हेल सिद्धार्थ. कम बैक नाउ सेड. वापस आ सेड. उस दिन किस्मत मुझसे पूछ रही थी मुझे प्यार चाहिए या फिर दोस्ती, मगर मैं डिसाइड नहीं कर पाया. शायद मैं पुस्तल था. हमें भी आई वॉज जस्ट कंफ्यूज. पता नहीं. वैसे जाएंगे कहां सर कसौली में? लॉरेंस एस्टेट. सैम, सैम सुन. हाँ. मेरा MIT का इंटरव्यू कॉल आया है, आज ही दिल्ली जाना होगा. ओह कांग्रेट्स मैन. थैंक्स सर. ओह माय हेड मैन, दिस एंगल इज किलिंग मी. अच्छा भाई, तो तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी कल रात, वो नयनतारा के बारे में. Oh, yeah. I was so stupid, yeah. I shouldn't have said such things. मैं उससे माफी मांगूंगा, लेकिन अभी सोने दे मेरे को सर प्लीज यार. गुड नाइट यार. ओ काके कहाँ जा रहा है यार? हम तू सो जा. क्या सो जाए यार. सुबह से 15 बारी फोन कर चुकी है यार वो. क्या आयशा यार. आयशा. हाँ. कह दे मैं नहीं हूँ. ओए मैं नहीं हूँ. हेलो आयशा, वो कह रहा है वो नहीं है. मेरा मतलब है कि ओ यार वो बड़ी इडियट. छोड़ यार. हेलो आयशा, सिद्धार्थ है. नयनतारा है क्या? हेलो, फोन काट दिया उसने. अबे जीव होती है लड़कियां. मैं भी निकलता हूँ यार, घर चलता हूँ. चल. परेशान कर दिया यार इस लड़की ने मुझको, पता नहीं क्या चाहती है. चल चलते हैं. एन, I'm really sorry for last night. Beautiful nun, could you please forgive me? Yeah. देख, मैं ना तेरे को हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना? तू ना ये पैसे पैसे रखे हैं, just get it on somewhere यार. I don't want your stupid money, okay? I thought तुम मेरे साथ आओगे. मैं कहीं नहीं आ रहा. बॉबी, बॉबी प्लीज लिसन. बॉबी मैंने दी को भी नहीं बताया अभी तक. गॉड, जस्ट अगर हमने उस दिन प्रोटेक्शन यूज किया होता. देख, हम एक दूसरे को जानते कितनी देर से. हाँ, 3 महीने से ना. और फिर मेरे को तो मालूम भी नहीं है मेरी वजह से है, तेरा कोई और बॉयफ्रेंड है. और क्या पता बॉम्बे में कोई बाहर रखा हो. What? Just how dare you? तू ना वापस ट्राई मत करियो, समझी? बॉबी क्या कर रहा है यार तू? इस प्रॉब्लम से बाहर है सैम. और ये कोई सती सावित्री नहीं है. और मैंने कोई इसका रेप नहीं किया, ठीक है ना? खुद आई थी मेरे पास चल के. Oh God. और तेरे को बढ़िया है? हाँ, तेरे में सीन चल रहा है कोई? बॉबी स्टॉप इट, स्टॉप इट प्लीज. Get the hell out of here. Stop it, both of you. Get out. ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है यार रहने का. ये ले तेरा जिप्पो, बाहर में जा तू और बाहर में जाए तेरी दोस्ती. Get out. शकल भी नहीं देखूंगा साले आज के बाद तेरी मैं. God. Hey. It's all over. No. सब खत्म हो गया. और फिर सैम ने सब संभाल लिया. वो आयशा को कसौली के पास एक अबॉर्शन क्लिनिक में ले गया. एक जिम्मेदार भाई की तरह उसने उसकी हेल्प की. इट वॉज एज सडनली ही ग्रो अप दैट समर. और फिर नयनतारा का नजरिया भी उसके तरफ बदलने लगा. उसने देखा कि सैम एक सच्चा दोस्त है जिसने मुसीबत के टाइम उनका साथ दिया. जब तक मैं इंटरव्यू से वापस लौटा,
काफी कुछ बदल चुका था। ओ आयशा जोक नहीं समझी, संटा संडे को इंटरव्यू के लिए गया था, संडे को। अंडे वाला जोक सुना रहा है, ये ले सुन, पानी संटा। ओ सिद्धू तू वापस कब आया? आज सुबह। कैसा है भाई? कैसा है यार, तुझे सैम ने फोन पे बताया ना? बताया। यार बॉबी भाग गया। पता है, एक मिनट। हाय आयशा, सॉरी यार मैं नहीं था। आयशा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। के आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मी। थोड़ा ये, थोड़ा पानी पी ले। हम सुबह तेरे साथ। अगर सैम ना होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे वो है कहां पर? वो शेड में आएगा अंदर। मैं जरा मिलकर आता हूं। मुझे पहले कहने का मौका नहीं मिला, तुमने जो किया है कोई नहीं करता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स रियली ओके, मैं भी पार्टी की रात के बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हूँ। रियली सॉरी, आई वाज एन इडियट। आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई लव यू टू ब्यूटीफुल नन, आई एम सो हैप्पी फॉर अस। अरे सिद्धू वापस आ गया, वापस आ गया। मैं वापस आ गया सैम, मैं वापस आ गया, पर मैंने बहुत देर कर दी। तुझे खो देने का गम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम रहेगा। आपकी बहुत बातें करती थी। आपके जाने के बाद उनके सारे मैटर्स मैं ही हैंडल करता था। आपने कहा था ना पंडित का इंतजाम करना है, तो मैंने कर दिया है। बस आप जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जब कहोगे पंडित जी को ले आएंगे तो इसी पे आ जाओ स्कूटर में। नहीं मैं गाड़ी में चला जाऊंगा, फ्रेश हवा लगेगी। नहीं मैं गाड़ी में चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कसौली लौटकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी खुली हवाओं में न जाने कितनी ही पुरानी यादें महक रही है। सडनली लग रहा था जैसे सब आवाजें मुझे वापस बुला रही हो। कसौली में बिताया हर एक दिन दिवाली की तरह था। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही दुनिया अंधेरों में धुंधली हो जाएगी। मैं ये चेक कर रहा हूँ भाई जी, माता जी का डेथ सर्टिफिकेट तो आप लाए नहीं। जब आप जानते हो कि डेथ न्यूयॉर्क में हुई तो आपने मुझे पहले बताया कि नहीं? सर एक चीज बताओ आप मेरे को, अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई ना कोई तोड़ तो हम निकाल ही लेंगे। एक काम करते हैं, हाई कोर्ट के एक लॉयर से हम एफिडेविट बनवा लेते हैं, 8-10 दिन में आपका काम हो जाएगा। हां पंडित जी, आई डोंट हैव 10 डेज, मैं जा रहा हूं। ओ फिर वही, घोड़े पे क्यों सवार रहते हो आप? एक बात बोलूं, बुरा मत मानना जी, कितने चाव से कितने प्यार से माता जी ने प्रॉपर्टी बनाई। आप भेज के जाओ तो किसी अच्छे आदमी को भेज जाओ, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। नहीं नहीं एक बात है, ठीक है साधन, बट नो मोर। ओके ओके सर जी, इससे पहले आपके पानी से आपका पेट खराब हो जाए, बदहजमी हो जाए, आपका काम करके भेज देंगे। पंडित जी प्लीज कैन आई हैव माय हैंड बैग? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही है, अपने पास रखिए। यहाँ पर एक म्यूजिक स्टोर हुआ करता था ना? हुआ करता था नहीं जी, है 2-in-1 है, अंदर म्यूजिक स्टोर है, बाहर कैफे, मूड के हिसाब से चेंज भी कर लेता है। कभी कभी म्यूजिक स्टोर बाहर ले आता है, कैफे अंदर ले जाता है।
वक्त के साथ साथ डायरी के पन्नों से स्याही दौड़ जाती है, मगर दिल पे लिखी उन यादों का क्या जो रोज को रेतती है। ए सिटी बॉय, क्या सोच रहा है? ये देख, ऐसे करते हैं शेव। आउच! देखा क्या किया तूने? अब जिंदगी भर तेरे वजह से इस कार लेकर घूमना पड़ेगा यार सैम। अरे लड़कियां मरती हैं इस कार्स पर, और साले इसी बहाने तो मुझे याद तो रखेगा। हाँ। ना स्टॉप क्राइंग, कम हियर। तू जिंदगी भर याद रहेगा सैम, तुझे खोदने का शक कभी नहीं भरेगा। मैं लॉरेंस एस्टेट वालों की बात कर रहा हूँ, आप उनसे कहो प्लीज एक बार शेरी लॉरेंस का एड्रेस ढूंढे। थैंक यू। अरे नहीं है भाई, सारे रिकॉर्ड छान मारे भैया जी, पर कोई शेरी लॉरेंस का आता पता नहीं है। हाँ हाँ, तेल निकलवा दिया आपने भी ऐसे ही। भाई जी एक बात बताओ जी, आप भी इसी पर्टिकुलर आंटी के पीछे क्यों पड़े हो? किसी और से काम नहीं चला सकते आप? पंटी जी थैंक यू। नहीं नहीं, वो तो आपका वेलकम है। अच्छा बंटी जी। हाँ जी। ये क्लॉक टावर की घड़ी अभी बंद पड़ी है? ये तो एक अरसे से बंद पड़ी है, हमने तो कभी चलते देखा नहीं इसको। अच्छा, कोई पुराना नाता है इससे क्या? बंटी जी प्लीज। एक मिनट, ये पकड़ो, मैंने कहा था ना एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, अभी हो जाना है। ए भाई साहब, क्लोज द कैबिनेट। हैं, क्यों होया? लंच भैया। लंच मतलब क्या? लंच का मतलब खाना खाओ। अरे क्या बकवास है, आप 2 बजे आना। इनका ऑफिस कहाँ पर है? कंप्लीट ऑफिस कहाँ पर है? और कंप्लीट ऑफिस भी लंच के लिए बंद ही होना है। क्या बात कर रहे हो, दिस इज रिडिकुलस। इसलिए मैं वापस इंडिया नहीं आना चाहता था। नथिंग इज बड़ी चेंज्ड ओवर हियर। भाई जी एक आईडिया है, हम भी चल के लंच ही कर लेते हैं। मुझे कुछ खाना वाला नहीं है बंटी जी। A1 रेस्टोरेंट है, उंगलियां चाटते रह जाओगे आप। मेरी बात मानो। ये आपका ब्रीफ है? हां मेरा ब्रीफ किस ये है। ठीक है, आ जाओ, बड़ा अच्छा खाना है। आ जाओ आ जाओ। बंटी जी मानना पड़ेगा, ये समोसा काफी अच्छा है। पता है, ऐसा लगता है जैसे खाना पहले भी कभी खाया है। इट्स वेरी डिलीशियस। माय गॉड, और ये खीर, दिस गाइस रियली नो माय टेस्ट। और भी काफी गल्ला पता है तेरी, कहे तो दसा। ओह माय गॉड, टीनू, इतने सालों बाद। अरे पूरा वीर जी लग रहा है यार। वो सब बाबा जी का गेम है, गले नहीं मिलेगा है। कैसा है यार? फिट सूट शूट है, पूरा एनआरआई लग रहा है, जॉर्ज क्लूनी है। यार पीजी हमेशा चाहती थी कि तू पग पहने। ओ यार तुझे याद है? ऑफ कोर्स याद है। उनकी डेथ के बाद ना मैंने डिसाइड कर लिया कि अब गुड बॉय बनना है, पर तू बड़ा बैडमैन निकला। वो कसोली आकर भी फोन नहीं किया, तभी ये स्कीम निकालनी पड़ी बंटी जी के साथ। ओ थैंक यू बंटी जी। ओ वेलकम सर, वेलकम। और समोसे मंगवा। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब समझ आपका रेस्टोरेंट आने का प्लान। और तूने आज शाम तक रुकना है, वड्डी सी मस्त पार्टी आएगी, विस्की शिस्की पियेंगे, कबाब शबाब खाएंगे हैं। एक्चुअली मुझे वापस कोर्ट जाना होगा तो ओए केड़ा कोर्ट यार, यहाँ पर कोर्ट 5 बजे बंद हो जाता है। और मेरी चिंता ना करो, मैं तो बस पकड़ के चला जाऊंगा। ओए अपनी परजाई से मिलेगा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इत्थे ही है। ओ मिसेस कथूरिया कित्थे हो, आ जाओ आ जाओ, लक मटका लो जरा तेज है। रॉक्सी सत्रियाकाल, कैसे हो पाजी? माय गॉड छोटा टीनू। किसी की शादी की पार्टी लग रही है, I'm not comfortable. तो क्या हो गया यार, शादी ब्याह में everyone's invited है। तू आगे जा, मैं। ओ तू चल यार, ठंड रख, तू चल तो है। Roxy, it's okay. जाओ, 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 परमीत के साथ खेलो, हाँ मम्मी आ रही। ओ यार, relax. खासकर पुराने यारों के शादी ब्याह में everyone's invited. सूजी? हाँ, साले। सूजी! How are you, man? मैं अच्छा हूँ भाई, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ यार। ये तेरी पार्टी है? हाँ, शादी हो गई ना मेरी पिछले महीने। क्या बोल रहा है यार, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। ये तो बस एक छोटा सा रिसेप्शन रखा है। आना। वाओ। अंदर आना। श्योर, लेट्स गो। ओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज है? सुपर टीनू, बिल्कुल सुपर। और एक सरप्राइज दूं तन्नू? बताओ। ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी हैगा। क्या? अब तो हम लोग यूएसए में भी एक्सपैंड कर रहे हैंगे। चलो, इट्स गुड टू सी। हलीस किसी ने तो काउबॉयज की दोस्ती बनाए रखी है। ओ यार। एनीवे, बता यार। Who's the bride? Bride यार actually blondie हैगी। क्या बात कर रहे हैं? इसके honeymoon पे चले गए कनाडा।
रॉक्सी की कजिन मिल गई, बस उसी से वही प्यार हो गया। सॉरी यार सिद्धू, बट वी स्टिल लव ब्लॉन्डीज। यार तू भी ना छड़। वैसे मिला तो सही। वो देख। हाय। ओ चले डांस फ्लोर पे हैं? हाँ हाँ पर जाइए वेट कर। इतने चल। ओ तू ठहर, तेरा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है, जरा मुड़ के देख। हाय सिद्धार्थ। नैनतारा। इतने साल बाद मिले हो, हेलो भी नहीं कहोगे? हेलो, हाय। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने सालों बाद, मतलब सूजी। टीलू एंड सूजी, वी केप्ट इन टच। नाइस टू सी यू। या अब सेम हियर। अब तुम अब चंडीगढ़ में रहती हो? नहीं, दिल्ली में, मगर कसौली मैं एक होटल की डिजाइनिंग का काम कर रही हूँ। ओह, सो यू बिकेम एन आर्किटेक्ट आफ्टर ऑल। यस। आयशा कैसी है? आयशा सिंगापुर में है, शी इज मैरिड टू अ बैंकर नाउ। ओह, यू नो यू लुक जस्ट द सेम। एनीवे, यू वांट अ डांस? कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा। You know, Siddharth, sometimes you should just forget the past and move on. But I can't. Sam's that changed it all. Forever. कैसे भूल जाओ? That I betrayed my best friend. Maybe life betrayed him, not you. Maybe you're right. काश मैं कभी सैम के मॉम से मिल पाता। क्या था ना? थैंक यू सुसी। एक दिन तुम सबको स्कॉच पिलाऊंगा। चीयर्स। चीयर्स कके। यार सिद्धू, यार तूने ना मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा था कि सैम के जाने के बाद तू हम सबका ख्याल रखेगा, हम सबको संभालेगा, मगर यार तू तो खुद ही भाग गया। ओ रहन दे यार, वो पुरानी गल्ला नु तैनू चढ़ गई है, वो भूलना चाहता है। कोई चढ़ी वड़ी नहीं है, ठीक है मेरे को, मैं एकदम इट्स ओके, मैं कुछ नहीं भूल पाया। वो समर का हर एक पल याद है मुझे, उसके बाद सब बदल गया। अरे से तू वापस आ गया, अंदर अंदर अंदर। How was the interview, man? I'm through. अगले हफ्ते US जाना होगा। Oh wow! Congrats, man. Thanks, yeah. I'm so happy for you, yeah. Aren't you gonna wish him or something? Guys, guys, guys! Sid America जा रहा है, he's through. Congrats, Siddharth. Sid, 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 भारा, भारा. तुम अमेरिका जा रहे थे और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि एनीवेज, अब बता के क्या फायदा, अब तो सब बदल चुका है। मतलब? मतलब तो शेड पर क्लियर हो गया था। तुम गलत समझ रहे हो सिद्धार्थ। देखो उसने आयशा के लिए जो किया ना, उसके बाद मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों। मैं सामने नहीं तुमसे इस बारे में बात करके अब कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूं, एंड देयर इज नो पॉइंट हर्टिंग एनीवन। लेट्स जस्ट ऑल पार्ट एज फ्रेंड्स। गुड बाय। और फिर उस शाम के बाद नैनतारा और मेरे बीच सब कुछ बदल गया। मैं बस अमेरिका जाने के लिए दिन गिन रहा था। अरे बहादुर जी, श्याम बाबा, उसको लाल वाली जैकेट भी दे दे। श्याम बस यार, मेरा सूटकेस फट जाएगा। जी जी। और तेरी फेवरेट पार्टी परसों है, होप यू रिमेंबर दैट। याद है, याद है। चल अभी जाने दे। लीजिए, बहुत पैकिंग करनी है। थैंक्स बहादुर। तेरा फोन बज रहा है,
देख लिया कोई। ओए, थैंक्स फॉर द क्लोथ यार। नो प्रॉब्लम। तू ये जीन्स को क्यों खराब कर रहे? अरे जब ये रेडी होगी ना तब पता चलेगा हाउ स्पेशल दिस जीन्स आर। कब से फोन बज रहा है, उठा ले। हां आई विल टेक दिस। शिदु बाबा, शिदु मैं एक प्लेट में पैकेट। थैंक्स फादर। हेलो हेलो अभिजीत। हां डॉक्टर गोयल की रिपोर्ट्स आ गई हैं। द रिपोर्ट्स आर नेगेटिव। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ फादर आफ्टर ऑल। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? खुश नहीं हो? अरे क्या हुआ, मैडम बैठी हुई है क्या? अरे बाबा, सुनीता बोल रही हूँ दिल्ली ऑफिस से। ओए, तुझे क्या हुआ? कौन था वो? कुछ नहीं यार, वो रॉन्ग नंबर। चल तू भी निकल फिर। अरे नाइस, जच रही है तुझ पे। तो उसके बारे में मम्मा से कब बात करने वाले थे? किसके बारे में बच्चे? अभिजीत अपनी एक्टिंग बंद करो, यू वेरी वेल नो, मैं सुनीता की बात कर रहा हूं। सुनीता? सुनीता तो वो तो हमारे दिल्ली ऑफिस की सेक्रेटरी है। सो कम ऑन, सुन मुझे बेवकूफ मत समझ। डोंट यू ट्राई एंड फूल मी। ये तुम्हारी ट्यूशन फीस का चेक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ। But you listen to me. मामा से तुम बात करोगे या तुम? मैं तुम जैसे चीप लोग ना, जितना भी करो उतना कम। Bloody users. अबे बिहेव करना सीख, मैं तुम्हारे पापा की तरह हूं। अबे अबे ए ए क्या कर रहे? ए शरी, सैम स्टॉप इट, समझाओ इसे। क्या कर रहे हो सैम? अपने पति से क्यों नहीं पूछती? He's a bloody sir, I'm telling you. I have just had enough of this, Sam. Maafi mango. Mango maafi. Ma, take my advice, leave him before he ruins us. मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं मामा। सैम, सैम। शेट, सैम बाबा। कल टिकट्स तैयार हो जाएंगे, जाकर ले आना। माँ परसों मेरी फेयरवेल पार्टी है, जाने से पहले कितने काम करवाओगी मुझसे? तुम चलो ना चंडीगढ़ मेरे साथ। नहीं बेटा, नर्सरी के नए बैचेस, बच्चे, फूलों के ऑर्डर्स, मैं नहीं जा सकती हूँ, तू जा। क्या हुआ? मिसेज मोनिका रे, यू आर वेरी बैड विद गुडबाइज, यू नो दैट? लुक एट मी, look at me. No. Look at me. No crying, okay? Siddhu, I'm gonna miss you. I'll miss you too, ma. Tum log kya lagna? Tu jana, dekh. Ha, ja raha hu, ja raha hu. Siddhu, darwaza khol. Arey, tum dono? Yahan kaise? Kaisa hai? Kaki, tenu boy kehna hai si yaar. कैसा है सूजी? तू कैसा है? आजा आजा, चल बैठते हैं। ये ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फेयरवेल गिफ्ट। अरे नॉवल्टी स्टोर का सबसे महंगा पेन हैगा, तुझे लिखने का शौक है ना? थैंक्स यार। सिद्धू, अब तो तू भी फॉरेन जा रहा है, अपना ग्रुप धीरे धीरे बिखर रहा है ना? अरे बिखरेगा क्यों, सैम और मैं हर साल आएंगे ना, और तुम लोग भी अभी यूनिवर्सिटी जाओगे। समझ में, रियूनियंस होगी कहाँ बॉयज की? ओके हाँ काके, मैं भी चला जाऊंगा पूसा इंस्टीट्यूट, और इसका मेडिकल में कुछ ना हुआ ना तो इसे भी अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। पर सिद्धू यार, एक बात बताऊं, तेरे और सैम के बिना यहाँ दिल नहीं लगेगा यार। अच्छा, मेरी फेयरवेल पार्टी ना दो दिन प्रीपोन करनी होगी, वैसे चंडीगढ़ जाना है, पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट करने। तो ओए नो प्रॉब्लम, तू क्या कर, तू सैम को बता दे, सारी अरेंजमेंट वही कर रहा है ना। सुबह ही तो मिला था, अभी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ पर है वो। तू सीधे घर चले जाओ उसके। हाँ यार, गुड आइडिया।
सैम सैम क्या कर रहा है सैम क्या हुआ कुछ नहीं से तू जा सैम सुन तू मुझे नहीं बताएगा है क्या हुआ तुझे सच पता है तुझे में सबसे ओवररेटेड इमोशन क्या है इट्स लव मैन क्योंकि वो कभी ना कभी टूट कर बिखर जाता है 6 साल का था जब पापा उस कैथरीन के साथ पेरिस भाग गए थे एक बार मुड़कर भी नहीं देखा यार पीछे पापा आपका प्यार पीना रेंज मैन ठीक है ऐसा नहीं है यार चल फॉरगेट अबाउट ऑल दिस ओके कभी कभी सोचता हूँ कि सब मेरे दोस्त इसलिए हैं बिकॉज आई डू थिंग्स फॉर देम डू यू थिंक एनीवन जेन्युइनली लव्स मी डू यू थिंक एवन नयनतारा लव्स मी एवरीबडी लव्स यू यार हम सब है ना तेरे फ्रेंड्स हाँ वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ओके चल अब उठ उठ That's my boy. Aja. Thanks, man. Anytime, yaar. Friends forever. Ow! Oh, sorry. Sam ki personal zindagi mein kya chal raha tha? Ye main nahi janta tha. Uski life ke is pehlu ko na jaane kyun? Kisi ke saath bhi discuss nahi karta tha. Sivaye. M. Shayad meri maa ke. Tumhe kaise pata chala it's me? Mothers always know. अच्छा अगर रॉक बैंड बनानी हो तो जरा गले का ख्याल रखना पड़ेगा कॉफी पिएगा ना यस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ये पकड़ एक और मोमबत्ती ले आती हूँ सैम क्या हुआ किसी का चेहरा नजर आ रहा है इस मग में बोल एम जब भी यहां आता हूं ना तो लगता है बड़ा मिसिंग आउट ऑन पता नहीं क्या हो जाता है मम्मा को पहले डैड के जाने के बाद उनकी ड्रिंकिंग और अभी ये अभिजीत व्हाई डिड शी हैव टू मैरी हिम एम इट्स ओके इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप ठीक है बेटा देन एम आई डोंट वांट टू ग्रो अप Give me a big hug. क्या तुम लोग फ्लर्टिंग हो गए ना By the way, तेरी इस लव स्टोरी में मेरा क्या रोल है विलेन का Now get out. भाई, मैंने लास्ट चेक की मेरा घर था आजा आजा कॉफी बनाते हैं ये मेरा घर है और क्या कहते हैं फ्रेंड्स फॉरएवर यस गुड नाइट सैम गुड नाइट एम Adios, amigo. चल बाय सिद्धू बेटा एक बात बोलूं हाँ माँ बोलो सैम की फीलिंग्स को कभी हर्ट मत करना डोंट वरी माँ सैम इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड नथिंग कैन एवर चेंज इट ओके आई नो बाय द वे कल उसने मेरे लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी है ओनली द बेस्ट माय फेवरेट कॉवबॉय थैंक्स यार शैम्पू तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो सीरियसली थैंक यू तुम सबके लिए छोटी सी पोएम लिखी है गो फॉर इट हाँ रोज पुकारेंगे बीते हुए दिन आवाजें मारेंगे बीते हुए दिन ना भूलेंगे ना भूलेंगे ये बीते दिन गा के सुना मैं गा नहीं सकता दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम गो फॉर इट चल हाँ मस्ती के बाहों में बीते हुए दिन नाइस आवारा राहों में बीते हुए दिन ना भूलेंगे ना भूलेंगे ये बीते दिन गुड जॉब आई लाइक इट नॉट बैड हां ये बीते दिन बेफिक्री जेबों में भरे हुए दिन मीठी खुमारी से चढ़े हुए दिन ना भूलेंगे
ना भूलेंगे ये बीते दिन। जरा से लम्हों में कहाँ गए ये दिन, हमें पता ही ना चला। खुशी के सारे पल बड़ी ही तेजी से क्यों बीत जाते हैं भला। दिल कहे ये समा जाए ना जाए ना, जीने के वादों से भरे हुए दिन, ऊंचे इरादों से भरे हुए दिन। ना भूलेंगे ना भूलेंगे ये बीते दिन, ये बीते दिन। I wish these days would last, they always go too fast. Some things you wish would stay the same. The magic that we shared, I feel it in the air. Why do you have to go away? खुशी है आँखों में जरा सा पानी भी है जज्बाती ये समा। यारों को प्यारों को अलविदा कहना आसान होता है कहाँ। She's crying. आयशा, नियंत्रा। आयशा। आयशा ओके? क्या हुआ तुझे? सॉरी आयशा, तुझे रुला दिया। It's okay Sid, it's not your fault. ती मुझे घर जाना है। तुम ठीक तो हो? या तुम रुको, तुम इतने दिन बाद निकली हो, यू स्टे। या नहीं तेरा, तुम रुको, आई जस्ट ड्रॉप एंड कम बैक। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, बी बैक। पक्का? इट्स ओके। तो अभी का कुछ पता चला? आयशा, आई डोंट थिंक बॉबी वापस आएगा। यू नो इट्स बेस्ट टू फॉरगेट हिम एंड मूव ऑन। या हे, यू ओके? फाइन। कि पीछे गिफ्ट। ओह शिट शिट शिट, किसी का फेवरेट गिफ्ट है, मैं देना ही भूल गया उसको। मैनू लगता है बारिश होने वाली है यार। बारिश हो चंपाग्नी, वाह वाह, बहुत मजा आएगा। ओए तेरी भाभी कितने है यार? मेरी भाभी की? तेरी भाभी यार, मूड ना स्पॉइल कर यार। सूजी हैं सैम दे बड़े विच की क्या सी, जिस दी केस उस दी मिस हैं। चल यार, फ्रेंड्स फॉरएवर है। सैम, तुम और से तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो ना? बेस्ट फ्रेंड्स सिंस वी वर 5. Nothing will ever change that. अरे कहाँ गए सर? सिद्धार्थ कहाँ है सब? सिद्धू, ए सिद्धू, सिद्धू। अरे नैनथारा, मैं उस दिन तुमसे एक ही बात कहना चाहती थी। I hate you. I really, really hate you. I hate you. Just go away. नैनथारा, please, सुनो तो। I hate you. चले जाओ अमेरिका। I hate you. दिल आजकल मेरे सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं। ये तुझसे ही मिलने को चाहे, ये तेरी ही करता है बातें। क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल
पास रहता नहीं। Okay now, where's everyone? Sunny boy! Kahan hai tu? Sam! Sam! Sam, sun! I'm sorry, Sam. I'm really, really sorry. Shut up. इतना कुछ करने के बाद all you have to say is sorry to me. Wow man, everyone should have a best friend like you. देख सैम, मैंने अपने और नैनतारा के बारे में हमेशा से तुझे बताना चाहा, कोशिश भी की थी, मगर क्या? तेरी ज़बान अटक गई. और ये थोड़ा सैम इसे stupid हिल्ला बंदो. नहीं यार, जैसे मैंने हमेशा गलत टाइम पर बात उठाई, मौका ही नहीं मिला. नहीं और बस फिर वो इंटरव्यू से वापस आने के बाद सब कुछ बदल चुका था. प्लीज, तू चाहता तो मौके बहुत थे एंड यू नो इट. देख, तुझे नहीं बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है. तू जो सजा देगा आई एम फाइन विथ इट. प्लीज 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 सैम, मुझे माफ कर दे यार. प्लीज, आई वांट अस टू स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स. देख सैम, तू अभी गुस्से में है, ये 16 साल की दोस्ती सिर्फ इसलिए मत. 16 साल की दोस्ती मैंने नहीं तूने तोड़ी है. टैटू फॉर अ गर्ल मैन. I didn't know you're serious about her, यार. मैंने सोचा नैनतारा जैसी लड़की को तू कभी पसंद नहीं करेगा. Why? उसकी जैसी लड़की सिर्फ तेरे लिए है क्या? नहीं यार, समझने की कोशिश कर. तू मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यार. मैं confused हो गया था. दोस्ती प्यार, ये बस तेरे डायरी में लिखे बड़े वर्ड्स है मैन, एंड यू नो नथिंग अबाउट देम. दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है. I wouldn't have left her then, come here otherwise, yaar, please. Just shut up, man. Just shut up. You know what? For me, love is dead. Nahi, Sam. For me, this friendship Sam, is dead. No. I don't care about her anymore. And I don't care about you. You know what? I'm ashamed to call you a friend, man. I'm ashamed to call you a Kasoli cowboy. तूने कावबॉय रूल्स तोड़े हैं मैन. तूने दोस्ती के उसूल तोड़े हैं. दोस्ती उसूलों से नहीं बनती सर. कसौली कावबॉयज, कावबॉय रूल्स. अरे क्या है ये सब यार, तेरे बनाए हुए बचकाने रूल्स. बस तू चाहता है कि तू गॉड बना रहे और दुनिया तेरे बनाए हुए उसूलों पर चले. बट आई एम सॉरी यार, ऐसा नहीं चलता. तू कभी दूसरों के नजरिए को भी देख. तूने कभी एक बार सोचा आई माइट लव हर? एक बार सोचा? शट अप सेड. अच्छा कि तू जा रहा सिर. Just get the hell out of my life, man. हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी से चला जाए हमेशा के लिए. जा. सैम से मिलना है. सॉरी सैम बाबा ने आपको अंदर आने से मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते. मैं यही वेट करूंगा. सैम पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था. कड़कती बिजली और बारिश में उसने रफ्तार पकड़ी और गाड़ी डेविस पॉइंट की तरफ ली. मगर फिर अचानक उसने गाड़ी रोक दी. मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मगर उसके चेहरे पे एक दहशत सी दिख रही थी. I saw my
best friend die right before my eyes. किस्मत जैसे हमारी दोस्ती का तमाशा दिख रही थी। अगले दिन सैम और मैंने हमेशा के लिए कसौली को अलविदा कह दिया। पता है आज तक आई एम नॉट फॉरगिवन माय सेल्फ, इसलिए मैंने कसौली से, तुम सब से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया। मतलब तू आया था उसकी फ्यूनरल पे? ओए अब तक तो सैम के यार रब ने भी तुझे माफ कर दिया होगा यार, भूल जाएगा क्या? अरे कैसे भूल जाऊं यार, पता है उस दिन मैं उसके घर गया था, वहां मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि सब दीवारें मुझसे पूछ रहे हो, कहां थी तुम उस रात, कितनी चीजें करनी थी उसे, पेरिस जाना था, रॉक एल्बम बनानी थी, सब खत्म। हाँ यार देखना, काउबॉयज भी तो हम तीन ही रह गए हैं, सैम चला गया, बॉबी साला भाग गया, छड़ ये सब यार, सिद्धू तू आज रात ही चंडीगढ़ रुक जा। हाँ यार अब तू नहीं यार, मुझे वापस जाना है। उस रात सबसे मिलके एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मे बी नैदार वाज राइट, आई शुड जस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन। दिल आजकल मेरे सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं, दिल आजकल मेरे सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं, ये तुझसे ही मिलने को चाहे, ये तेरी ही करता है बातें। ये तुमने किया? Well, कोई कहता था कि कसौली बिल्कुल सोया हुआ शहर है, आदमी बंद, दुकान बंद, और ये क्लॉक टावर की घड़ी भी बंद। और तुम इस सोए हुए शहर को जगाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो तुम चाहो तो हम साथ साथ वॉक कर सकते हैं। श्योर। सिद्धार्थ एक बात कहनी थी। आई यहां पर जब सब देखता हूं तो लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। आई एक्चुअली गॉट एंगेज लास्ट ईयर, अरेंज मैरिज है। यू नो इतने साल एंड यू नेवर, एनीवे चलती हूँ। नैनतारा ओ समर, आई एम सॉरी, आई जस्ट रैन आउट ऑन यू लाइक दैट। डोंट बी सिद्धार्थ, जब दो बेस्ट फ्रेंड्स एक ही लड़की से प्यार करते हैं ना तो लड़की हमेशा हारती है। तुमने ना कभी मुझे चिट्ठी लिखी और ना फोन किया,
अब हमारे रास्ते अलग है सिद्धार्थ। तेरी आँखों के रास्ते ये चले जाता है, जो बुलाऊं मैं कभी लौट आता नहीं। बेखबर ये जमाने से टकराता है, बेधड़क मुझसे कहता है। ओह हाय सिद्धार्थ, सॉरी फॉर लास्ट नाइट। इट्स ओके, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल जायज था, मगर नैनतारा मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता था। क्या? यही कि इन 12 सालों में मैंने तुम्हें हर दिन हर पल याद किया है। ये कुछ खत है जो मैंने लिखे थे। नैनतारा से मिलने के बाद आई रियलाइज व्हाट आई हैड लेफ्ट बिहाइंड। शायद इसलिए अमेरिका वापस लौटने से पहले मैं कसौली की हर याद अपने साथ बांधकर वापस ले जाना चाहता था। सैम तुझे नहीं लगता कि बॉबी हम सबसे अलग है? दोस्ती में दोस्तों को जज नहीं करते सिटी बॉय। दोस्ती ना किदार की स्ट्रिंग्स की तरह होती है, एक बार ट्यूनिंग ठीक बैठ जाना हर एक तार इंपॉर्टेंट होता है, देखा? मेजर बलविंदर शिकावत। यस। आपका कुछ सामान मेरे पास है। ओ सिद्धू, हाय यार। कैसा यार? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, फिट वेट लग रहा है बॉबी। क्या बात है। Here, I think this belongs to you. लाइटर कहाँ मिला तुझे यार? शेड पे, कावबॉय शेड। याद है कि सब भूल गया? हाँ याद है, याद है। पर तो एक बात बता, तूने ढूंढा कैसे मेरे को? अरे यार कारगिल वॉर हीरो यार, तेरा नाम टाइप करते आर्मी साइड पर पहुंचा और फिर यहाँ। बता कभी वापस कसौली लौट कर गया? यार नहीं यार, जब से कसौली छोड़ के भागा हूँ ना, भाग ही रहा हूँ। पहले दिल्ली गया, फिर डिफेंस अकेडमी, उसके बाद कारगिल। यू नो सिद्धू, व्हेनेवर आई लुक बैक ना, I think I was such a selfish person. I should have been there for Aisha. I really want to say sorry to her, yaar, whenever I meet her. Don't worry, yaar. Eventually you find a way, right? Tension mat le. Thank God Sam ne sab kuch sambhal liya tha. Right. You know, Sam was the true hero. That he was. Sam was a hero to all of us. You know, मेबी हम सब कावबॉयज को एक बार कसौली में मिलना चाहिए। सैम होता ना तो यही करता। हेलो बंटी जी। हेलो। सॉरी मैंने आपको इतनी रात परेशान किया। नहीं नहीं कोई नहीं। एक्चुअली मैं कॉटेज की सेल के बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपने काफी मेहनत की है। Don't worry, I will definitely compensate you. मैम, आपसे कोई मिलने आए हैं और आपने ये फाइल मंगाई थी। ठीक है जी, थैंक यू। नैनतारा all set to go back then? Yeah, sort of. You know, पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सब कुछ करके थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूं मैं। Having second thoughts? Yeah.
about everything. I think I'm falling back in love with Kasoli. वैसे सिद्धु, I got something for you. उस दिन तुमने कहा था ना कि काश तुम सैम के मॉम से कभी मिल पाते. ये लो, शेरी आंटी का एड्रेस. मगर कैसे? मैं इसे इतनी दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं. थैंक यू निंतर. शिदु बाबा. नमस्ते बहादुर. कौन आया है? मेम श्याम. श्याम बाबा के दोस्त शिदु बाबा आए हैं. हाय आंटी. मैंने सोचा था तुम बहुत पहले आओगे. कम सिट. थैंक यू. एक्चुअली आंटी, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था. इतने सालों से मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि आई एम सॉरी. आई एम रियली सॉरी. उस दिन अगर मैंने सैम को रोका होता तो शायद सैम डाइड बिकॉज ऑफ मी. तो तुम नहीं जानते कि उस रात को क्या हुआ. मुझे अब भी याद है. सैम बहुत गुस्से में घर लौटा. बस. I hope that shit burns in hell. बहादुर, वॉचमैन को बोल कि सिड यहाँ पे आया तो उसे धक्के मार के बाहर निकाले. सैम, वो आई हेट द ब्लडी सिड मामा. व्हाट हैज हैपेंड? सिड इज योर बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड था मामा. बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की गर्लफ्रेंड नहीं चुराते. मतलब? पता है वो नैन तारा के साथ था शेड में. He was sleeping with her, मामा. सैम. और जब मैंने उसको पूछा तो बोलता है लव ही चाहता. But I know she loves me, मामा. अगर नैन तारा तुमसे प्यार करती है then why is she sleeping with Sid? But I know she loves me. Come, sit down. Did she hug me, mama? जिनको जिंदगी में प्यार करते हैं ना वो हमें हमेशा नहीं मिलते. I've been such a fool, ma. I love song. ये तो बस मैंने ऐसे लिखा है. तुझसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी यार, नैनथारा के बारे में. किसी ने बताया था कि यहाँ पे आके कैंडल जलाओ तो यू बी ब्लेस्ड विद ट्रू लव. सो आई जस्ट कुछ नहीं यार. हैप्पी बर्थडे. आई एम द ऑड वन आउट. मीम शाह, दिल्ली से आपका फोन आया है. बहादुर जी. शाम बाबा, गिफ्ट लेके आया. जी ये लीजिए. सुन जी बाबा, मुझे सुबह इस सिट को देना है स्टेशन पे. जी इसका गिफ्ट रैपिंग पेपर चेंज कर और ये डाल देना उसके अंदर. ठीक है शाम बाबा. हम जा. सिट यू इडियट. लव यू ब्रदर. सही व्हाई डोंट मेक यू बेटर बाबी जी. मेरा मजाक बना के रख दिया तुमने. यू चीटेड ऑन मी. उसका फोन आया था. शी इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी. वो मुझसे पैसे मांग रही है. काश मुझे पता होता कि चल क्या रहा है. तुम्हारी हालत तो देखो. पहले पति के घम को बुला पाओगी तब तुम्हें पता चले कि यहां क्या हो रहा है. मैं क्या, कोई भी मर्द तुम्हें झेल नहीं पाएगा. पता है तुम्हें,
ऑल द टाइम यू आर ड्रंक. हमेशा शराब की बू आती है तुमसे. बू आती है? हाँ, ऑफिस में, घर में, बेडरूम में, बिस्तर में, हर जगह शराब की बू. और तुमसे उस की बू आती है, यू एसहोल. अली हाथ चला, तो हाथ मत टच मी. डोंट, व्हाई आर यू टचिंग मी? डोंट टच हर. हट जा, स्टे अवे फ्रॉम हर. सैम, 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 स्टे अवे, स्टे आउट ऑफ दिस प्लीज. क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है. मम्मा, जिस दिन आप इसे इस घर में लेके आई, ही बिकेम माय प्रॉब्लम टू. सैम, प्लीज लीव मी अलोन. सुना नहीं तुमने? यू शट अप. जस्ट गो. मैंने तुमसे क्या कहा? जाओ, जाओ, जस्ट गो, जस्ट गो. नहीं मम्मा, नहीं जाऊंगा. क्या कर लेंगी आप? पता है कि प्रॉब्लम क्या है मम्मा? आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं. अपने सिर्फ आपको कुछ दिखता ही नहीं. कभी मेरे बारे में भी सोचा है आपने? मैं तो बचपन से अकेला हूं. 6 साल की उम्र में पापा ने छोड़ दिया, और इसके बजाय क्या मुझे संभालती, मेरे सर पे हाथ रखती, आपने तो उसे शादी कर ली. आप तो ने मुझे बहुत दूर कर दिया मम्मा. पहले हॉस्टल, फिर कॉलेज, और अभी लंदन. आप तो खासकर मुझे दूर रखना चाहती हैं. क्या? क्योंकि मैं आपको पापा की याद लाता हूं, रिमाइंड यू ऑफ पापा. इसलिए तो यू हैव नेवर वांटेड मी. नोबडी हैज एवर वांटेड मी. मेरी जरूरत किसी को नहीं है. और आज तो मेरे दोस्तों को भी नहीं. मैं बिल्कुल अकेला हूं मामा. I'm all alone. और आज जब एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है, तो इसके बजाय कि आप मुझे गले से लगाए, मुझे संभाले, आप मुझे दूर कर रही है. आप मुझे दूर कर रही है मम्मा. और पुशिंग मी अवे. यू डोंट डिजर्व अ सन. यू डोंट डिजर्व अ सन. यू डोंट डिजर्व एनीवन. यू डोंट डिजर्व एनीवन. यस, आई डोंट डिजर्व एनीवन. आई मेड अ मिस्टेक, ओके? आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. ये मेरी गलती है. गलती? एवरी मैन इन लाइफ इज अ मिस्टेक. पापा वाज अ मिस्टेक. अभी इज अ मिस्टेक. और मैं तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हूं ना मामा. तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो? हाँ, ये तुम कह रहे हो? गेट आउट. जस्ट गेट आउट. जाओ यहां से. आई विल मामा. यस, मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा. तो जाओ ना. जाते क्यों नहीं हो? Not you. It's me. I killed my only son. उस रात जब सैम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं अपने होश में नहीं थी. पता है, सबसे भारी लाश अपनी औलाद की होती है. I'm so sorry, आंटी. I'm so sorry. तुम्हारा गिफ्ट बहादुर ने अभी संभाल के रखा. Hey city boy, तो तू जा रहा कसौली छोड़ के? तेरी ट्रेन जाने वाली होगी और तू सोच रहा होगा कि सैम होता तो. सैम है ब्रदर, सैम है तेरे लिए ऑलवेज. यार, तू हमेशा मेरा फेवरेट कसौली का बॉय रहेगा. कल रात के लिए आई एम सॉरी यार. I should have seen that my best friend was in love.
माफ कर दे यार, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में, हमेशा साथ रहना ओके। और ये जीन्स ये तेरा फेयरवेल गिफ्ट है, क्योंकि हमारी दोस्ती ना इस जीन्स की तरह है, जितनी पुरानी उतनी बेहतर। इस थॉट से इंस्पायर होकर मैंने गाना भी लिखा है, इस बार वर्ड्स मेरे हैं मगर धुन तू देगा। दैट्स ऑल ब्रो। ओह एंड रिमेंबर पेरिस, आई विल सी यू देयर विद मॉरिसन, फ्रेंड्स फॉरएवर। आज सैम ने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हें नहीं, हमें आजाद कर दिया। आई लव यू। आई लव यू टू। सबको आना है, आई डोंट केयर हाउ। इट्स अ कॉबॉयज रियूनियन, दिस इज फॉर सैम। यार मिलते हैं प्यार मिलते हैं हमको यारो नसीब से, एक दूजे की आदतें बनते दिल को छूते करीब से, हर हंसी पे आंसुओं पे देते शोबे एक दिन क्यों चले जाते छोड़ के तन्हा ये दोस्ती मिलती नसीब से, ये दोस्ती मिलती नसीब से, ये दोस्ती नाजुक है दोस्ती, आँख से छलकती है जब बन के पानी, हर किसी बूंद में झलकती है कोई कहानी, जिंदगी के रास्तों पे होते कितने मेल, दोस्तों के कोने का भी होता है फिर खेल, ये दोस्ती फाइनली सैम को दिया आखिरी वादा भी पूरा किया। सैम से सलो, उस दिन में समझा पुरानी चीज का सही मतलब। जिंदगी में दोस्त तो कहीं आते हैं, लेकिन पुराने दोस्त उस चीज की तरह होते हैं जिसे पहनते ही यू बिकम फ्री, फ्री टू बी योरसेल्फ। होता क्या फासला, पूछा करता हूं मैं खुद से, दूर है लोग जो सच में है क्या दूर मुझसे, कल पास रहता नहीं,
दिल आजकल मेरे सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं, ये तुझसे ही मिलने को चाहे, ये तेरी ही करता है बातें, क्या तुम हो वही, क्या तुम हो, क्या तुम हो वही, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं। क्यों कटते नहीं, ये तुझसे ही